नवोदय ग्रंथ प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। नमस्कार बच्चों, सभी साथियों, अभिभावक बंधु और प्यारे बच्चों, मेरा सुनीता का नवोदय क्रांति के ऑनलाइन सेशन में नमस्कार और आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास का हिस्ट्री का टॉपिक करेंगे। फ्रांस की क्रांति। रेडी? अच्छा, ठीक तो हो गए आप सभी? खुश हो गए? मजा आ रहा होगा पढ़ाई का भी और घर पे रह के भी? चलो, वेरी गुड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का नाइन्थ क्लास का टॉपिक फ्रांस की क्रांति, पहला चैप्टर है। ओके, फ्रांस की क्रांति। अच्छा ये बताओ, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, कहानी सुनना या खेलना अच्छा? ऑब्वियसली खेलना। तो खेल खेल में पढ़ना भी तो अच्छा लगता है ना, खेल हमें बहुत कुछ सिखा देता है। तो आज हम कहानी सुनेंगे। रेडी? ओके, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति की कहानी। हाँ, कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगी प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कहानी के बाद उससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है। जब हम उसको सुनेंगे तो आपको बताना है कि आपको उससे क्या शिक्षा मिली, क्या सीख मिली। तो शुरू करें, ध्यान से सुनोगे? ओके, तो शुरू करते हैं कहानी, फ्रांस की क्रांति की कहानी। एक था राजा और एक थी रानी, यहीं से हुई फ्रांसीसी क्रांति की शुरू कहानी। प्यारे बच्चों, पता है फ्रांस 1789 ईस्वी में क्रांति से ग्रसित हो गया था। क्यों हुआ? वहां का एक राजा था जिसका नाम था लुई सोलवा। क्या नाम था? लुई सोलवा, जो बूर्बो वंश का शासक था। 1774 ईस्वी में राजा बना, केवल 18-20 साल का ही था। उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हो गया। अब राजा थोड़ी उम्र का था, खजाने में बहुत ज्यादा पैसा पहले भी नहीं था, लेकिन राजा तो भोग विलास में व्यस्त हो गया, जनता के कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। जो पादरी थे, जो सामंत थे, जो बड़े बड़े लोग थे, प्रशासनिक राजकाज का भार संभालना पड़ता था, लेकिन खजाना तो काम नहीं करेंगे और रखे हुए को खाते रहेंगे तो कितने दिन चलेगा? थोड़े दिन चलेगा ना। तो वहां भी ऐसे ही हुआ, अब सेना का, राजकाज का, प्रशासनिक अधिकारियों का सब अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित कर रखे थे, उनके बीच में युद्ध हो गया। अब फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की, और पता है कितने लिब्रे? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है बच्चों, है ना? तो 10 लिब्रे की मुद्रा उसकी चली गई। इधर से खजाना पहले ही खाली था, और राजा परेशान कि अब मैं क्या करूं, बहुत परेशान हो गया। और इसलिए उसने क्या किया, कर बढ़ाने का निर्णय लिया कि कर बढ़ा देते हैं जिससे राज्य को आय प्राप्त होती है। तो फ्रांस का समाज कई वर्गों में बना हुआ था, पता है कितने वर्गों में? जैसे परिवार में होते ना, बड़े छोटे फिर उससे छोटे, तो ऐसे ही समाज भी 3 वर्गों में बटा था। पता है क्या क्या नाम थे? पहला वर्ग जिसको प्रथम एस्टेट कहते थे, उसमें बड़े बड़े पादरी शामिल थे। दूसरा वर्ग जिसको दूसरा एस्टेट कहते थे, उसमें कुलीन वर्ग शामिल था। और जो तीसरा एस्टेट बचा, उसमें व्यापारी, जमींदार, पूंजीपति, बुद्धिजीवी लोग, भूमिहीन किसान, यानी अधिकतर आम जनता तीसरे वर्ग में शामिल थी। हाँ, उनको तो कर भी नहीं देने पड़ते थे, असमानता थी। पहला और दूसरा वर्ग तो दादागिरी करता था, बस आदेश देना, अनेक प्रकार के कर लेना और ठाट का जीवन जीता था। उधर से राजा ठाट का जीवन, तो कर पता किसको चुकाने पड़ते थे? तीसरे वर्ग को,
किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को, आम जनता को कर देने पड़ते थे। और उसी समय अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, जिससे फसलें भी नष्ट हो गई। अब जो भाव रोटी की कीमतें थी, अपना पेट भरने के लिए उनकी भी कीमत आसमान बहुत ऊंची हो गई, लोगों की समझ से तो बाहर हो गई, सब परेशान हो गए। लेकिन राजा को तो क्या परवाह थी, उसने तो सोच लिया कि भाई अब मैंने तो कर बढ़ा देने और मेरी आय हो जाएगी, उसको जनता की क्या चिंता थी, है ना। तो राजा ने तो अपना निर्णय ले लिया था, अब जनता परेशान थी। और पता है बच्चों क्या हुआ उसी समय, फ्रांस में 18वीं शताब्दी में जब इतना ज्यादा शोषण हो गया, सब परेशान हो गए, तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग माने तो बुद्धिजीवियों का, जिसमें विशेष कर तीन दार्शनिक बहुत, जिसने लोगों को प्रभावित किया। एक तो रूसो था, जिसने सामाजिक अनुबंध पुस्तक लिखी, जिसमें समाज में सभी वर्गों को बराबर अधिकार की बात कही। दूसरा जॉन लॉक था, जिसने द स्प्लिट ऑफ लॉस पुस्तक लिखी, जिसमें कानूनों की बात की। उसके समय ही मॉन्टेस्क्यू था, जिसने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखी। उन्होंने राजा के विशेष अधिकार, जो पहले और दूसरे वर्ग को थे, उनकी आलोचना की कि सभी व्यक्ति समान हैं, सभी को समान अधिकार होने चाहिए, ऐसे विशेष अधिकार नहीं देने चाहिए। सही थे ना बच्चों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उसकी आलोचना की। और मॉन्टेस्क्यू ने पता है क्या कहा, कहा कि सारी शक्ति राजा में नहीं होनी चाहिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बटी होनी चाहिए। तो इनके विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जनता बहुत परेशान थी, है ना। उसी समय पता है क्या हुआ, राजा ने एक सभा बुलाई। कब बुलाई सभा, 5 मई 1789 ईस्वी को राजा ने एक सभा बुलाई। कहाँ बुलाई, वर्साय के शीश महल, शीशे का महल, पेरिस, वर्साय फ्रांस की राजधानी में, पेरिस में शीश महल। कर लगाना, प्रस्ताव पास करना, पहले स्टेट के 300, दूसरे के और 600 लोग तीसरे स्टेट के शामिल हुए। लेकिन वहां भी असमानता पता है क्या थी, जो पहले और दूसरे थे उनको तो आगे बिठा दिया कुर्सियों पर, पहली और दूसरी पंक्ति में। तीसरे वर्ग के लोगों को, जो ज्यादातर कर देते थे, बेचारों को खड़ा रखा, वो भी पीछे। असमानता तो यही थी, पहले ही दुखी थे बेचारे, और मजदूर, भूमिहीन किसान और महिलाओं को तो इजाजत ही नहीं थी अंदर जाने की। लेकिन लोग दुखी हो चुके थे बच्चों। पता है क्या किया उन्होंने, राजा से अपील की कि हम सभी को भी वोट का अधिकार दिया जाए। राजा ने कहा कि वोट का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिलेगा, अर्थात पहले और दूसरे वर्ग को, और जो 25 वर्ष से अधिक आयु के होते थे उनको सक्रिय नागरिक, और जो लगभग 3 दिन के वेतन के बराबर कर चुकाते थे उनको सक्रिय नागरिक कहा गया। उनको वोट का अधिकार दिया गया कि कर बढ़ाए जाए या नहीं, तो केवल यही लोग वोट करेंगे। अब बच्चों क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया, पहले ही दुखी थे, इतना कर पहले ही था, जमीन उत्पादन कम हो रहा था, फसलें नष्ट हो गई थी, खाने को कुछ था नहीं, जितना पैदा हुआ वो सारा कर में दे दिया, कहीं राज्य को कर देना पड़ता था, जिसको टाइट कहते थे, टाइट चर्च को भी कर देना पड़ता था, सामंत भी अलग से लेते थे, अनेकों कर, लोगों के पास कुछ नहीं मिलता था, ठन ठन दो पान। और फिर असमानता, दुखी हो गए। तो क्या किया लोगों ने, वर्साय के शीश महल से मीटिंग का बहिष्कार कर दिया और वापस चले गए। राजा तो खिन्न हो गए, दुखी तो होना ही था, लेकिन वो वापस चले गए, तो मीटिंग असफल हो गई। पता है वापस कहाँ गए फिर वो, 20 जून को
1789 20 जून में उन्होंने क्या किया, वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने आप को, किसने, तीसरे वर्ग के लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्हीं में उच्च वर्ग के व्यक्ति थे जैकब, और उनको उन्होंने नेता बना लिया अपना। उन्होंने लोगों में खूब भाषण, है ना। अब इनसे सहारों से क्या हुआ, राजा परेशान हो गया। अब उन्होंने ये शपथ ली टेनिस कोर्ट में, कब, 20 जून 1789 को ये शपथ ली कि हम नेशनल असेंबली हैं और जब तक करों में सबको, बढ़े हुए करों में सबका अधिकार नहीं होगा, विशेष अधिकार समाप्त नहीं किए जाएंगे और नेशनल असेंबली को स्वीकृति नहीं दी जाएगी, तब तक हम राजा की कोई बात नहीं मानेंगे। अब राजा ने उसी समय जब ये असेंबली चल रही थी, बच्चों पता है क्या हुआ, अब जनता खाने के लिए, अनाज दाल रोटी लेने के लिए दुकानों पर लंबी लंबी कतारों में खड़ी थी, ठीक है। अब उनको फिर भी नहीं मिल रहे थे पैसे, भी थोड़े थोड़े, और अनाज भी नहीं मिल रहा था। उसी समय अफवाह फैल गई कि राजा ने सेना को शहर में प्रवेश की इजाजत दे दी, जो लोगों पर गोलियां बरसाएगी। अब लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था। अब उस भीड़ ने लाइने तोड़कर, पास तिल का किला था पास में, उनको ये लगा कि इस किले में खबर मिली कि इसमें बहुत सारे हथियार हैं, तो हम तभी राजा की सेना का मुकाबला कर सकते हैं जब हमारे पास हथियार होंगे। तो लोगों ने अपने सामान्य हथियारों से फरसे और दीवारों को तोड़ दिया, जिसमें जो कैदी थे, 7-8 कैदी थे, उनको बंदी बनाए हुए थे, उनको आजाद करा दिया और वहां से हथियार लेकर और राजा की सेना और उनमें युद्ध किया। तो इस प्रकार पता है क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई। तो बास्तिल का कारागार जब टूटा तो उसने आग में घी डालने का काम किया। पहले बहुत सारे कारणों से आग तो लगी हुई थी ना, जनता को परेशान थी, और जब ये घटना हुई, लोगों पर गोलियां बरसवाई गई और बास्तिल के कारागार को तोड़कर बंदियों को मुक्त करा लिया, तो दोनों के बीच आमने सामने टकराव हो गया और लड़ाई शुरू हो गई, जिसको फ्रांस की क्रांति कहते हैं। अब जब राजा को पता चला, आंख खुली बेचारे की, लुई सुंदरे की, तो पता है क्या किया उसने, मजबूर हो गया। क्या कर सकता था, जनता विरोध में हो चुकी थी, तो मजबूर होकर उसने 1791 ईस्वी में उस व्यवस्था को, यानी नेशनल असेंबली को स्वीकार करना पड़ा। उसने नेशनल असेंबली को स्वीकार कर लिया, कब, और सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। अब जैसे ही नेशनल असेंबली का सिलेक्शन हुआ, राजा को स्वीकृति देनी पड़ी, तो पता है क्या हुआ, राजा की शक्तियां धीरे धीरे कम हो गई। नेशनल असेंबली ने अपना एक संविधान बना लिया। क्या बनाया, संविधान। कब बनाया, 1791 में। क्या नया संविधान था, बड़े प्रावधान रखे, जो जगह थी पादरी वर्ग की, जमींदारों की, वो छीन ली गई, सभी वर्गों में बांटने का प्रस्ताव किया, सभी को वोट डालने के अधिकार पर, समानता का अधिकार पर बात हुई कि सभी को बराबर के अधिकार दिए जाएं, और तो और क्या हुआ, औरतों ने भी अपने बराबर के अधिकारों की मांग की, है ना। तो राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, सामंती व्यवस्था का, यानी सामंतों को कोई कर नहीं देंगे, बड़े हुए करों का विरोध कर दिया गया और सत्ता का विभाजन एक राजा में ना होकर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो नेशनल असेंबली के द्वारा चुनी जाती थी, उनको दे दिया। तो खुशी की लहर दौड़ गई सभी में, लेकिन राजा तो परेशान हो गया। अब फ्रांस में गणतंत्र की ओर बढ़ रहे थे, राजतंत्र का अंत हो रहा था, है ना। तो राजा ने अंदर ही अंदर साथ लगते जो पड़ोसी राष्ट्र थे, ऑस्ट्रिया और पर्सा, उनसे बात करनी, राजाओं से बात करनी शुरू कर दी। वो बात ही कर रहे थे आपस में,
और फ्रांस में सेना भेजने का प्रयास कर रहे थे कि असेंबली को भंग करवा देंगे। तभी पता है क्या हुआ बच्चों, उसी समय नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र जारी कर दिया। किसने? नेशनल असेंबली ने। वो क्या था कि जो व्यक्ति पैदा होता है उसे कुछ नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार मिल जाते हैं, कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है तो उसे स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार है, उसे अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है, सभी समान है तो सभी को बराबर के अधिकार होंगे, और सभी अपने विचारों को बोलकर लिखकर प्रकट कर सकते हैं, वोट का अधिकार सभी को बराबर दिया जाएगा, और सभी अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने विचार अभिव्यक्ति को पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी पर कोई बाध्यता नहीं है। इस नागरिक अधिकारों की घोषणा पत्र ने बच्चों फ्रांस में खुशी की लहर दौड़ा दी। परंतु राजा ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा था तो ऑस्ट्रेलिया में सेना तैयार हो गई। जब असेंबली को इस चीज का पता चला लोगों को, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और परसा पर आक्रमण कर दिया। मतलब जब कोई हम पर आता है और हमारी गलती नहीं है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको दबाने की कोशिश करते हैं, एकजुट हो जाते हैं, एकता में तो दम होता है ना, तो मिलकर असेंबली ने उन पर आक्रमण कर दिया। अब राजा बहुत डर गया और उस आक्रमण के कारण बाहरी शक्तियों का फ्रांस में हस्तक्षेप समाप्त हो गया और वो वही रुक गए। इधर नेशनल असेंबली को बच्चों क्या हुआ, पूरी शक्तियां मिल गई, उन्होंने अपना संविधान बना लिया, नया तिरंगा चुन लिया फ्रांस का, तीन रंग थे जिसके, लाल, सफेद और नीला। लेकिन कुछ जनता तो अनपढ़ भी होती है ना बच्चे, जिनको इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो अनेक प्रतीक दिए गए, जैसे टूटी हुई चेन, स्ट्राइप से टूटी हुई चेन अर्थात स्वतंत्रता का प्रतीक थी, वही दास्ता से गुलामी खत्म हो गई थी, अब वो राजा के अधीन नहीं थे। अब टोपी ड्रॉ, लाल रंग की टोपी का निर्माण किया गया जो दास्ता से मुक्ति का प्रतीक था, डैनो वाली महिला, पंखों वाली महिला, उसका मतलब क्या था कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसे अनेक प्रतीक दिए गए जिससे आम लोग इकट्ठे हो गए और राजा की शक्तियां छीन हो गई। अब इसी समय अनेक गुट बन गए। क्या हुआ, गुट बन गए, जब राजा कमजोर हो गया तो फ्रांस अनेक दलों में बट गया। पता है सबसे बड़ा गुट कौन सा था? जैकोबिन। कौन सा था? जैकोबिन, जिसको सेंट जैकोब के नाम पर रखा गया। रॉबस्पियरे जैकोबिन, कौन? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे जैकोबिन क्लब का नेता बना दिया गया। और उसने क्या किया आने के बाद, बड़ा ही तानाशाही, मतलब जनता के भले के लिए काम करना शुरू कर दिया, राशनिंग कर दी दुकानों की, सभी को बराबर के अधिकारों के घोषणा पत्र को मान लिया और राजा की शक्तियां सीमित कर दी गई, राजा पर दबाव डाला गया और राजकाज को संभालने वाले जो लोग थे उन पर धावा बोल दिया ताकि उनकी शक्तियां समाप्त हो जाए, जिसके कारण राजा को भी पकड़कर जेल में डाल दिया। फिर क्या हुआ, फिर उसने राजा को न्यायपालिका में उस पर मुकदमा चलाया गया और राजा को देशद्रोही की संज्ञा दे दी और 1793 ईस्वी में राजा को मौत की सजा दे दी गई और राजा का अंत हो गया। इसी प्रकार रानी का भी अंत हुआ, तो राजतंत्र का अंत हो गया और गणतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन पूरी तरह नहीं हुई बच्चों, है ना, राष्ट्रवाद की भावना तो उदित हुई, मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय संविधान लागू कर दिया गया, अधिकारों की सूची बनाई गई, लेकिन एक दोष था रोबस्पियरे में, पता है, बहुत ही डरावना भयानक था। अब न्याय प्रणाली इतनी सख्त कर रखी थी कि अगर कोई गलत काम करता तो सीधा गिलोटिन पर चढ़ा देता,
पता है गिलोटिन क्या होती है? दो ऐसे खंभे होते हैं, फर्श से लटक रहा होता है और जो भी गलत काम करता था उसका सिर उसके नीचे ऊपर से फरसा चला देते थे, सिर काट देते थे। तो इस प्रकार अनेकों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इतना आतंक बनाया गया, इतना सख्ती से कानूनों को लागू करवाया गया, स्वयं रोबस प्यारे की जनता भी त्राही त्राही कर उठी, डर गई बिल्कुल, त्राही त्राही कर उठी। तो अंत में बुरे काम का बुरा नतीजा, तो रोबस प्यारे के साथ क्या हुआ, उसको भी कुछ समय के बाद दोषी पाया गया और उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो 1792 से 93 तक आतंक का राज रहा। 93 में जब रोबस प्यारे को गिलोटिन पर चढ़ाया गया बच्चों, तो जैकोबिन का शासन समाप्त हो गया। अब राजा भी चला गया, जैकोबिन भी, अब जनता रह गई बिना नेता के। नेशनल असेंबली में 3 अंग बनाए गए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका थी उसमें से 5 व्यक्तियों को चुना गया और उनको डायरेक्टरी का नाम दिया गया, तो उनको सारी शक्तियां दे दी गई। जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ मिलकर कार्य करेंगे, लेकिन वो अच्छी प्रकार से कार्य नहीं कर पाए। कभी किसी के बीच झगड़ा होने लगा। स्त्रियों ने समान अधिकार की बात की तो उनको भी नहीं दे पाए समान अधिकार। 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वोट का अधिकार दे दिया, लेकिन औरतों को फिर भी निष्क्रिय नागरिक रखा गया। उनकी शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज तो खोले गए, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं दी गई। उसी प्रकार दास प्रथा भी चल रही थी। तो इस प्रकार डायरेक्टरी के शासन में क्या हुआ बच्चों, जब आपस में खींचातानी होगी तो क्या होगा, तनाव पैदा हो गया और उसके कारण फायदा किसको मिला, नाम सुना है आपने, नेपोलियन को। नेपोलियन एक महान सम्राट होते थे, सिकंदर महान, नाम सुना है ना, वो वहां का सैनिक तानाशाह था। आपसी फूट का राग उठाकर सिकंदर ने, नेपोलियन ने अपने आप को 1804 में फ्रांस का राजा घोषित कर दिया, है ना, शासक घोषित कर दिया। लेकिन उसने शुरू शुरू में बड़े अच्छे काम किए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार पर बल दिया। लोगों को लगा कि अब हमारे देश में शांति स्थापित होगी, सभी को बराबर के अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन उसका तो मकसद और ही था, समान नापतोल की प्रणाली भी लागू की, सेना को सुदृढ़ किया, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था और वो विश्व युद्धों में विश्व विजय पर निकल पड़ा, अनेक देशों के साथ आक्रमण करने लगा, जिसके कारण जनता से ध्यान भटक गया। परिणाम क्या हुआ, 1814 में वाटरलू का युद्ध हुआ और नेपोलियन हार गया। तो इस प्रकार फ्रांस से नेपोलियन के तानाशाही शासन का भी अंत हो गया और नए संविधान का गठन हुआ, जिसको नेशनल असेंबली के आधार पर ही, जो उस समय 1791 में बनी थी, उसको 1794 में दर्जा मिला संविधान का उसी नेशनल असेंबली के द्वारा, और 1814 में पुनः शासन उन्हीं को दे दिया और फ्रांस से राजतंत्र का अंत हो गया। तो इस प्रकार सुना, अच्छा लगा आपको, ये थी फ्रांस की कहानी। अब राजा का भी अंत हो गया, फ्रांस गणतंत्र बन गया, राजतंत्र की स्थापना हुई और क्या विश्व विरासत मिली, समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के विचारों का पूरे विश्व में प्रसार होना शुरू कर दिया। सामंतवादी व्यवस्था का अंत हो गया। इस प्रकार फ्रांस से राजतंत्र का पतन और गणतंत्र की स्थापना हुई। तो ये थी हमारी फ्रांसीसी क्रांति की कहानी। समझ आई, अच्छी लगी होगी आपको, हाँ, वो छोटी सी है ना, हम हिस्ट्री को ऑफन नहीं देखते है ना। अब आपकी बारी, आपको इससे क्या शिक्षा मिली बताओ।
बताओ क्या शिक्षा मिली? कहानी सुनी है ना आपने, अब से बताओ क्या शिक्षा मिली। चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। जब राजा प्रजा के विकास की और कल्याण की ओर ध्यान नहीं देता तो प्रजा विद्रोह कर देती है और विद्रोह की परिणति अच्छे समानता स्वतंत्रता जैसे विचारों के रूप में होती है, है ना। आतंक का राज भी समाप्त हो गया और विश्व को क्या मिला, क्या विश्व विरासत छोड़ गई कि विश्व के अनेक देशों में समानता स्वतंत्रता बंधुता के विचारों का प्रसार होने लगा। अनेक देशों में इसके बाद औपनिवेशिक जो शासक थे उनके विरुद्ध आंदोलन आरंभ हो गए, राजतंत्र का पतन होने लगा, सामंती व्यवस्था की आलोचना होने लगी, पुरुष स्त्री के बराबर अधिकारों पर बात होने लगी, समान काम के लिए समान वेतन की बात होने लगी, बड़े बड़े पूंजीपतियों की जमीनें छीन कर छोटे छोटे लोगों में बांट दी गई, पुनः विभाजन किया गया जमीन का। तो ये विश्व विरासत थी जिसने फ्रांस में एक समान समाज की स्थापना की। तो ये थी हमारी कहानी जिसने फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय किया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्यों सुनाई फिर ये। प्यारे बच्चों, हम भी विश्व का एक हिस्सा है। इसी प्रकार जो इतिहास की घटनाएं होती हैं वो हमारे वर्तमान को प्रभावित करती हैं। अब इसी फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व में गणतंत्र की स्थापना के बीच बोए थे, समानता और स्वतंत्रता बंधुता के विचारों को मुखरित किया था जिसके बाद सभी ने इनकी महत्ता जानी। और हाँ, 1848 ईस्वी में फ्रांस से दास प्रथा का भी उन्मूलन हुआ इसीलिए, है ना। तो इसीलिए ये हमारे लिए पढ़ना आवश्यक था, है ना। तो अब देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चन है, है ना। हम एक बार बात करें क्वेश्चंस की। चलो पहले रिकैप करते हैं, ओके। चलो हम पहले इसको ना रिकैप कर लेते हैं एक बार। फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई सोलह। चलो अब एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। कहानी को सुनी, अच्छी थी ना। अब देखते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई। 14 जुलाई 1789। राजा कौन था? लुई। नोट करते रहना, अब ये हम रिकैप कर रहे हैं, है ना। लुई सोलवा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? मैरी एंटो एनेट। फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? समाज का वर्गीकरण कितने वर्गों में बटा हुआ था? तीन में। क्या कहते थे उसको? एस्टेट। प्रथम एस्टेट में कौन थे बताओ? पादरी। दूसरा क्या था? द्वितीय एस्टेट में कौन था? कुलीन वर्ग। इनको क्या अधिकार प्राप्त थे? जन्म पर आधारित विशेष अधिकार, यानी इस वर्ग में जो आ गया तो उसको कोई कर नहीं देना पड़ेगा, ये उच्च वर्ग के लोग होंगे, इनको कोई विशेष कार्य नहीं करना, केवल दूसरों पर नियंत्रण रखना है। और तीसरा क्या था? तृतीय एस्टेट। सभी कर किसको चुकाने पड़ते थे? तृतीय एस्टेट को, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ? करों का बोझ बढ़ गया। कर कौन कौन से थे? अनेकों कर थे। टाइल क्या था? प्रत्यक्ष रूप में लगाया जाने वाला कर। टाइल क्या था? चर्च के द्वारा वसूला जाने वाला कर। टाइल राजस्व का 1/10 भाग, फसल का 1/10 भाग उनको देना पड़ता था। और भी अनेक प्रकार के कर थे। जब करों का बोझ बढ़ गया तो क्या हुआ? उसी समय पाव रोटी की कीमतें ऊंची हो गई। क्यों? अकाल पड़ गया, है ना। और फिर क्या हुआ? मध्यम वर्ग का उदय हुआ। रूसो ने कौन सी पुस्तक लिखी बताओ? सामाजिक अनुबंध। किस पर आधारित थी? समाज को समान विचारधारा और विशेष अधिकारों की समाप्ति। उसके बाद जॉन लॉक ने कौन सी पुस्तक लिखी? जॉन लॉक कौन सी पुस्तक लिखी? टू ट्रीटीज ऑफ लॉस। इसमें क्या था? ये भी राजा के विशेष अधिकारों की विरुद्ध दैवीय अधिकारों की विरुद्ध समानता पर आधारित थी। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? द स्पिरिट ऑफ लॉस। द
नोट कर रहे हो ना, स्प्रिट ऑफ लॉस, जिसमें शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में किया जाए। इनका प्रभाव पड़ा। टेनिस कोर्ट में क्या हुआ था, हमारा फ्रांस का संविधान, यानी सबसे पहले किसका गठन हुआ, नेशनल असेंबली का गठन हुआ। कब हुआ, 1791 ईस्वी में। 1792 में और 93 को हम क्या कहते हैं, आतंक का राज, क्या कहते हैं, आतंक का राज। 1794 में क्या हुआ, संविधान लागू हुआ, जिसमें तीन रंग लिए गए, कौन से, लाल, सफेद और नीला। फ्रांस का राष्ट्रीय गान क्या था, मार्सिलेज, क्या था, मार्सिलेज। फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या था, लिब्रे। 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने के कारण कितना कर्ज बढ़ गया, 10 लिब्रे का। तो इस प्रकार ये सारी घटनाएं हुई है ना। तो उसी समय क्या हुआ, अफवाह फैल गई, कब, जून 1789 में, कि राजा सेना को प्रवेश करने की अनुमति दे दी और लोगों पर गोलियां चलवाएगा, जिसके कारण ये सारी घटनाएं होंगी। फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हो गई। और फिर क्या हुआ था, हम अपनी कहानी को याद करेंगे ना, फिर क्या हुआ था, जैकोबिन क्लब का शासन हुआ है ना, जिसका नेता कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेसपियर, जो क्या था, आतंकी था। राजा को कब गद्दी से हटाया गया, 1794 में। कैसे हटाया गया, फांसी की सजा दे दी देशद्रोह के रूप में। किसने दी, जैकोबिन्स ने। गिलोटिन क्या थी बच्चों, एक प्रकार की मशीन थी जो दो पोल पर आधारित थी और फरसे के द्वारा सिर को काट दिया जाता था जिसको दोषी पाया जाता था। रॉबेसपियर को भी ऐसे दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टरी का शासन स्थापित हो गया। समय नेपोलियन का उदय हुआ 1804 में। उसने खुद को अपना फ्रांस का सम्राट घोषित। वाटरलू के युद्ध के कारण नेपोलियन का अंत हो गया। नेपोलियन ने नियमों की एक प्रश्नावली तैयार की जिसे कोड ऑफ नेपोलियन कहा जाता है। नापतोल की समान प्रणाली, समानता, स्वतंत्रता सभी के लिए, और उसी समय क्या दिए गए थे, आम अधिकार दिए गए, जिनको जनवादी अधिकार कहते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है तो स्वतंत्रता पूर्वक रहने का, समान भाई बंधु मिलकर रहने का, कहीं भी बसने का अधिकार, अपने धर्म के विकास का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, कोई भी कार्य करने का, ये अनेक जनवादी अधिकार बने, है ना, जिसने समानता की भावना को विकसित किया। यही था ना। अच्छा, और बीच में क्या हुआ था, औरतों का क्या योगदान रहा इस क्रांति में, औरतों को बराबर के अधिकार नहीं दिए गए, उनको निष्क्रिय नागरिकों में रखा गया। अच्छा, सक्रिय नागरिक कौन होते थे, जो 25 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति थे और लगभग 3 दिन के वेतन के बराबर कर अदा करते थे, है ना, उनको सक्रिय, जो नहीं थे उनको निष्क्रिय नागरिक कहा गया। तो सभी को बराबर के अधिकार नहीं थे, है ना। तो इसलिए वुमेन ने अपने अधिकारों के लिए किस चीज की स्थापना की, द सोसाइटीज, नोट कर लेना, द सोसाइटीज ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक ऑफ वुमेन, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक ऑफ वुमेन, जिसने औरतों के समान अधिकारों की तरफदारी की। और औरतों को समान अधिकार कब मिले, कब मिले बताओ, 1940 में जाकर समान अधिकारों की बात हुई। इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा, है ना। उसके बाद दास प्रथा का भी उन्मूलन हुआ। कब हुआ, फ्रांस से कब हुआ, 1848 में। फ्रांस की लांटेस बंदरगाह है एक, नीस और लेटिस बंदरगाह, जहां से व्यापारियों को अफ्रीका से निम्न वर्ग के लोग लाए जाते थे, जिनको रेशम नील के बागानों में काम करने के लिए पुर्तगाल और फ्रांस की बंदरगाहों से अमेरिका में भेज दिया जाता था। उनकी खरीद फरोख्त होती थी, उसको समाप्त किया गया। और इस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने मिस्र के लिए एक बहुत ही सुंदर संदेश छोड़ा, जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित था, जिसका प्रभाव पड़ा और विश्व के अनेक देशों में, रूस में, जापान में, भारत में क्रांतियां हुई और स्वतंत्रता की ओर प्रयासरत हुए, जिससे स्वतंत्रता, स्वतंत्र होकर गणतंत्र की स्थापना हुई। तो ये थी हमारी
फ्रांसीसी क्रांति की कहानी। अब हमने रिकैप भी किया इसको, है ना, तो याद हो गया होगा। अब आपके लिए बहुत ज्यादा होमवर्क हम नहीं देते, आपको पता है। होमवर्क वही होना चाहिए जो आप मजे से करें। मजा आया ना कहानी सुनने में? तो आप इसको एक बार फिर सुनना और इस कहानी के बेस पर आपको कम से कम छोटे 15 क्वेश्चन एक एक नंबर के, है ना, छांट ले हैं। अब आप अपने आप से पूछना कि क्यों हूँ, कारण क्या थी, आतंक का राज क्या था, जैकोबिन कौन थे, फ्रांस का संविधान कैसे बना, गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, सारे क्वेश्चन के आंसर आपकी कहानी में मिलेंगे। तो जब आपका मन करेगा तो आप इसे फिर सुनना और सभी क्वेश्चंस के आंसर, ये कोई रटने की बात थोड़ा ही है। हमें पता है कि हम वर्तमान में क्या है, ये पीछे क्या हुआ उस पर आधारित है, इसलिए हमने इन सब घटनाओं को पढ़ा। ठीक है, राइट, समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख देंगे और इसको बार बार देखना। और प्यारे बच्चों, अध्यापक महानुभव केवल आप ही नहीं, सभी के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके। तो आज के लिए बच्चों बाय, थैंक यू।